बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर बाय शानी पार्टनर। तो देखा ना आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने अपने बेसिक टॉपिक में से कंप्यूटर क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके इस्तेमाल के अलावा हम लोगों ने उसके अंदर फर्दर जो दो कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्टार्ट कर दिए थे। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके टाइप पढ़ चुके हैं अभी तक, और अगर हार्डवेयर में आ जाए तो हार्डवेयर के अंदर आप लोग अभी तक सिस्टम यूनिट सीपीयू और उसकी तमाम डिटेल, उसकी प्रोसेसिंग, उसके अलावा आप लोगों ने कैश और उसके बाद रजिस्टर्ड रैम रोम पिकअप सोन ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली हैं। ठीक है, जो सिस्टम यूनिट के रिलेट है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसे हिडन टॉपिक कहते हैं वो भी आप पढ़ चुके हो, और साथ ही साथ अपनी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो भी आप पढ़ चुके हो, जिसमें रैम और रोम किताब के मुताबिक है, वैसे रैम रोम और कैश आ जाती है। नाम चार हैं, रैम रोम रजिस्टर्ड और कैश, क्योंकि कैश जो है रैम की एक टाइप होती है, सैम को ही आप लोग क्या बोलते हो, कैश बोलते हो, इसलिए मैं यहाँ पे तीन वर्ड बोलूंगा, रैम रोम कैश। ठीक है, बाहर रिटर्न के लिए आपके पास रैम रोम कैश और रजिस्टर्ड, ये चार प्राइमरी मेमरीज है। प्राइमरी मेमरी भी कवर कर चुके हैं हम लोग सारी। अब आपके लास्ट तीन टॉपिक है जिसमें से हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट तीन में से सबसे पहला जो आप टॉपिक पे कर रहे हैं वो, क्योंकि हमने लास्ट में मेमोरी पढ़ चुके हैं तो मैंने कहा पहले मेमोरी वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, आज सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट और इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेज के टॉपिक रह देंगे, बाकी आपका तमाम तरह सिलेबस क्या हो जाएगा कवर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक का नाम आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज को आप लोग पर्टिकुलरली स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके दो वर्ड नाम भी, इसे मैश स्टोरेज भी बोलते हैं और इसे लाइब्रेरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपकी डिवाइसेज होती है, ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, जैसे कि आपको मेमोरी में पहले बताया था कि जहां पे वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल का वर्ड आ जाए तो इससे जुड़ी दो और लाइनें होती हैं जो आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है। वो क्या थी कि अगर एक मेमोरी आपके पास नॉन वोलाटाइल है, इट मीन अगर उसे करंट नहीं भी मिल रहा, उसे वोल्टेज नहीं भी मिल रही, उसे पल्स नहीं भी मिल रहा, तब भी वो अपना कंटेंट अपने पास स्टोर करके रख सकता है। इसका मतलब है पावर ऑन हो या ऑफ हो, वो आपके कंटेंट को लॉस नहीं करता। ठीक है, कंटेंट से मुराद यहाँ पे मेरा डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है और बदले में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें तीनों वर्ड बोल रहा हूँ, डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, ये तीनों के तीनों स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की जाती है, क्योंकि ये डिवाइस आपके पास क्या होती थी, नॉन वोलेटाइल होती है। इट मीन आपका डाटा, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी इंस्ट्रक्शन, ये तीनों जो होती है आपके पास यहाँ पर बिजली जाने पर भी लॉस नहीं होंगी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को लॉस नहीं करेगा, इट मीन इट इज अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अगर नॉन वोलेटाइल बोला जिसका मतलब है पावर ऑन ऑफ से आपका कंटेंट जो है लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब है ये क्या होगी, परमानेंट आपकी मेमोरी होगी या परमानेंट स्टोरेज होगी। ठीक है, स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज यस सेकेंडरी मेमोरी के लिए पर्टिकुलरली जो वर्ड यूज करते हैं वो स्टोरेज हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कैन बी रीड एंड राइट टू एंड फ्रॉम इट, कि इसके अंदर आप लोग डाटा क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, डाटा राइट टू और डाटा कैन बी रीड फ्रॉम। ठीक है, डाटा उसे रीड भी किया जा सकता है, डाटा उसके अंदर राइट भी, इंफॉर्मेशन उसमें रीड भी कर सकते हो, डाटा इंफॉर्मेशन उससे राइट, उसमें राइट भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन उसमें राइट भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन उससे रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट जो है डाटा इसके अंदर रीड भी किया जा सकता है, इसमें राइट भी, तो ये दोनों की दोनों फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है, डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन को रीड भी करती है और इसे राइट भी करती है। ठीक है, आगे चले तो उसकी बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। ठीक है, नॉर्मली तो आपके पास आज के स्टोरेज अवेलेबल है आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल में, आपके पोर्ट्स में या टैबलेट्स के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर्स में, पीसी वगैरह में, ये जो मेमोरीज होती है, क्लाउड आपको जो स्टोरेज मिलती है, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, ठीक है, इस तरह की जो भी आपको ड्रॉप बॉक्स है, इस तरह की जो भी आपको स्टोरेज मीडिया मिलता है, चाहे वो क्लाउड टेक्नोलॉजी की, तो ऑनलाइन आपको स्टोरेज मिल रही हो या मोबाइल टैबलेट पीसी वगैरह की हो, किसी भी चीज की हो, वो नॉर्मली गीगाबाइट में होती है।
ठीक है, और ये एप्टोसोम नॉर्मली आपके पास अभी तक आम सामग्री नॉर्मली जो आपके पास अवेलेबल है वो टेराबाइट में, ठीक है, तो गीगाबाइट और टेराबाइट के अंदर इसकी कैपेसिटी आपके पास नॉर्मली अवेलेबल है। यहाँ पे छोटी सी चीज है, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैंने साथ में लिखा है कि व्हाई वी यूज इट, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो मेमोरी थी रैम थी रोम थी, हमने स्पीड बढ़ाने के लिए कैश भी यूज किया, हमारे पास रजिस्टर भी मौजूद है, तो अगर हमारे पास पहली मेमोरी मौजूद है तो हमने ये मेमोरी क्यों यूज की, ठीक है। तो इसका दो दो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने, एक है इसके टेम्परेरी होना, ठीक है, किसका, आपकी मेन मेमोरी का, और मैंने कहा था जहां पे भी मेन मेमोरी का वर्ड आ जाए आपने मेन मेमोरी से मुराद प्राइमरी मेमोरी को वैसे मेन मेमोरी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम रजिस्टर कैश सारा कुछ आता है, लेकिन आप लोगों ने पर्टिकुलरली से मुराद कर लेनी है रोम सॉरी रैम, ठीक है, तो आपकी मेन मेमोरी का यानी कि आपकी रैम का टेम्परेरी होना, ठीक है, टेम्परेरी से मुराद ये है कि इसका मतलब ये होगा अगर रैम में आपने एक बार विंडो लोड कर दी गेम लोड कर दी, अब क्योंकि वो टेम्परेरी है इट मीन उसकी पावर जैसे ही ऑफ होगी उसमें जो कुछ भी है जो गेम चल रही है लोड हुई है जो विंडो लोड हुई है क्या हो जाएगी खत्म, इसका मतलब है दोबारा से सप्लाई दोगे दोबारा से उसके अंदर विंडो आपको लोड करनी पड़ेगी, दोबारा से आप विंडो इंस्टॉल करोगे दोबारा से गेम इंस्टॉल करोगे इसमें रन होगी चलेगी जब तक बिजली है वो चलती जाएगी, फिर अगर पावर अगर उतार दिया तो क्या हो जाएगी लॉस, तो ये एक बहुत ज्यादा आपके पास क्या हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है कि हर बार आप लोगों को एक चीज क्या करनी पड़े इंस्टॉल करनी, ठीक है। दूसरा मसला ये था कि इसकी कैपेसिटी कि आपके पास रैम तो होती है अब जाके आज के दौर में जाके अब जाके आपके पास 8 से 12 16 जीबी तक अवेलेबल हुई है, वरना अगर मैं 2013 या 3 तक की बात कर लूं या 2009 तक की भी बात कर लूं 6 तक की बात कर लूं 7 तक की, उस वक्त आपके पास रैम जो थी 256 एमबी मेगाबाइट में थी, 128 एमबी की रैम 256 एमबी की रैम 512 एमबी की रैम, वहां पे बहुत कम ही हमें सुनने को मिलता था यार फलाने कंप्यूटर आए हैं अपने और उसके अंदर 1 गीगाबाइट की रैम, तो उस वक्त आपके पास अगर इससे भी पहले चलते रैम का साइज क्या था बहुत ही ज्यादा स्मॉल था, इसकी स्मॉल कैपेसिटी की वजह से इसमें ज्यादा डाटा भी लोड नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब जितना आपके पास मेमोरी मौजूद है उतना डाटा लोड होगा इंस्ट्रक्शन लोड होंगी उसके अलावा नहीं लोड होती थी, तो उसकी कैपेसिटी का भी कम होना ऊपर से आपकी इसकी ये इसकी स्टोरेज की जो आपके पास कैटेगरी थी वो क्या थी आपके पास नॉन परमानेंट थी, इस वजह से हमने क्या किया एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस बनाने की कोशिश की ऐसी मेमोरी बनाने की कोशिश की जिसमें हम लोग एक ही बार जान छुड़ाएं विंडो इंस्टॉल कर दें और वो खुद ही वहां से कंप्यूटर ऑन करने पर खुद ही कंप्यूटर जो है वहां से विंडो शिंडो उठाता रहे एक बार गेम इंस्टॉल कर दें और जब भी हम लोग उस पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ही वहां से अपनी गेम ये हमारी उठाकर चलाता रहे कोई प्लेयर वगैरह हर चीज हम लोग एक बार इंस्टॉल कर दें उसके बाद हमारी इस चीज से क्या होता है तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमने परमानेंट मेमोरी बनाई ठीक है प्लस ये उसकी कैपेसिटी को भी ह्यूज कर दिया उसकी कैपेसिटी को भी क्या कर दिया बढ़ा दिया तो ये वो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमने प्राइमरी मेमोरी के बाद ये पहले से मौजूद मेमोरी के बाद ये दूसरी ये वाली मेमोरीज बनाई और उनको प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की बेसिक नीड है और इनको सेकेंडरी मेमोरी जो कि हम लोगों ने इसके अंदर सपोर्टिव मेमोरी के तौर पर अपने तौर पर क्या किया वैसे बनाया हुआ इसलिए हम लोग ने ये बाद में मेमोरी आपकी इन्वेंट की गई ठीक है तो ये दो बेसिक रीजन है आपकी ठीक है आगे चले अब आपकी जो मेमोरीज है इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए दो टर्म्स का याद होना दो टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है वो दो टर्म में से एक आ जाता है एक्सेस टाइम और दूसरा आ जाता है ट्रांसफर रेट जब भी बाजार से जाके आपने यूएसबी स्टोरेज डिजाइन या डिवाइस खरीदनी है पूरा नाम यूएसबी नहीं होता ठीक है याद रहे यूनिवर्सल सीरियल बस वो बस का नाम था यूएसबी और यूएसबी पोर्ट जहां भी लगता है तो वो जो आपके हाथ में पेन ड्राइव की फ्लैग ड्राइव होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे यूएसबी स्टोरेज ड्राइव इस यूएसबी ड्राइव बोलोगे आप लोग एटलीस्ट कम से कम ठीक है तो आप लोगों ने यूएसबी परचेज करनी है यूएसबी ड्राइव परचेज करनी है आप लोगों ने हार्ड डिस्क परचेज करनी है आपने डीवीडी सीडी या कोई भी ऐसी चीज परचेज करनी है जिसमें डाटा स्टोर हो सकता है आप लोगों उसकी कैपेसिटी और दूसरे नंबर पर उसकी स्पीड को सबसे पहले क्या करोगे वहां पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे उसी से अंदाजा लगेगा कि आपके पास ये जो डिवाइस है ये आपके काम की है भी कि नहीं है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता ठीक है एक्सेस टाइम क्या था जितना टाइम आपको जाने में रिक्वायर्ड ठीक है एक जगह पर जाने के लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है ठीक है आपके कंप्यूटर सीपीयू ने जो कमांड भेजी स्टोरेज मीडिया के पास और स्टोरेज मीडिया के पास वो गया और उसने वो डाटा ढूंढ लिया जितना टाइम उसे डाटा ढूंढने का लगा वो क्या था आपका
एक्सेस टाइम था और ट्रांसफर टाइम क्या था, जितनी देर में उसने उस डाटा को पिक किया आपके पास वायर से होता हुआ बसेस में ड्रॉप किया, बसेस से होता हुआ आपके सीपीयू तक मेमोरी तक पहुंचा, सीपीयू तक आगे पहुंचा, ये आपका क्या होगा ट्रांसफर रेट होगा। ठीक है, एक्सेस टाइम को मिलीसेकंड में मेजर करते हैं और ट्रांसफर रेट को आप लोग किलोबाइट, स्मॉल भी नहीं है कैपिटल भी है, ठीक है, इसमें किलोबाइट पर सेकंड, नेट की स्पीड को किलोबिट में आप लोग मेजर करते हो, स्मॉल भी लिखा होता है वहां पे, यहां पे कैपिटल भी है, तो ये किलोबाइट पर सेकंड में या मेगाबाइट पर सेकंड या गीगाबाइट पर सेकंड में क्या करते हैं मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, कि जो आपके पास स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग अगर रिवाइज करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट आपके पास होता है कंप्यूटर में वो आपके पास बिट होता है। ठीक है, और याद रहे बिट को एक बार पहले भी बताया था, कि मैं अगर दोबारा बताता चलू, जो बिट है लफ्ज बिट ये बाइनरी डिजिट से बना है, बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसे बिट कहते हैं। आप इसे यूं भी कर सकते हो, यहां से बी आई पिक कर लो, यहां से टी पिक कर लो, या यहां से आप लोग बी और यहां से टी आई पिक कर लो, तो आपके पास ये क्या बनाता है बिट। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, डिजिट का मतलब होता है हिंसे, तो बिट का मतलब बाइनरी डिजिट का मतलब क्या हो गया, दो हिंसे। और मैथ के पहले दो हिंसे कौन से हमारे पास, हमारा तो कोई सा भी सबसे बड़ा अगर सेट उठा ली जाए तो हमारे पास सबसे छोटा जो डिजिट आ जाता है माइनस में नहीं जाता, सबसे छोटा जो डिजिट आ जाता है वो क्या आ जाएगा, जीरो, और उसके बाद अगला डिजिट क्या आ जाता है, वन। तो बाइनरी डिजिट से मतलब हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, जीरो और वन। ठीक है, तो जीरो और वन को हम लोग शॉर्ट में, ठीक है, बिट को हम लोग बिट कह के पुकारते हैं, और वन बिट से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तो जीरो या तो वन, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, वन होगा तभी हमें क्या बोलना है, वन बिट है, जीरो होगा तभी क्या बोलना है हमारे पास, वन बिट है। ठीक है, इसे स्मॉल बी के साथ हमेशा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाती बाइट की, ठीक है, बाइट जो होता है वो एट डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, आठ, वन या जीरो में से कोई से भी आपस में मिक्स करते तो जो चीज बनेगी, लेकिन उनकी लेंथ जो होनी चाहिए वो आठ डिजिट होनी चाहिए, आठ डिजिट से ज्यादा ना हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक बाइट। वो आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो हो सकता है ये हो, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, लेंथ बस आपके पास आठ होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, वो हो सकता है ये हो, वन 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 वन, ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, या हो सकता है ये हो के वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन दो चार, और ये लग, ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, बस। ठीक है, बाइट की पहचान क्या है कि आठ होंगे या वन होंगे या जीरो होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे ओवरऑल आपके पास, अलग अलग तो ये बिट है लेकिन ओवरऑल ये आठ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपके पास, एक बाइट कहलाएगा। बाइट से बड़ा यूनिट हमारे पास किलोबाइट आ जाता है, ठीक है, किलोबाइट जो होता है वो 1024, 1024 आपके पास डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, 1024 वन या जीरो में से जो मर्जी पिक करके 1024 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास, वन किलोबाइट, और इसे शॉर्ट में हम लोग 2 की पावर 10 बाइट कह के भी डिनोट करते हैं, यानी कि इतने बाइट हो तो आपके पास क्या बनता है, एक किलोबाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आ जाओ तो आपके पास आ जाता है मेगाबाइट। मेगाबाइट जो होता है आपके पास 1000, अगर इसे पिछले यूनिट के मुकाबले में देखा जाए तो उसके साथ भी सेम मामला है कि 1024 इसे पिछले यूनिट के किलोबाइट, 1024 किलोबाइट होंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा। याद रहे यहाँ पे वर्ड बाइट आ रहा है और बाइट को हमेशा कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल बी से बिट को, कैपिटल बी से बाइट को, किलोबाइट और ये मेगाबाइट है। ठीक है, और 1 मेगाबाइट को अगर सिंपल बाइट की फॉर्म में लिखना हो डायरेक्टली इसमें तो 2 की पावर 20 आप लोग लिखते हो, 2 की पावर 20 बाइट में। ठीक है, इसी तरह हमारे बहुत ज्यादा यूनिट है, हमें चंद एक यहाँ पे लिखे हैं कि आपके पास मेगा से बड़ा गीगा आ जाता है, 1 गीगाबाइट को 1 GB के तौर पे आप लोग जानते हो, और ये कितने हो जाते हैं 1024, इससे पिछला यूनिट है MB, तो ये 1024 MB होंगे, और डायरेक्ट अगर बाइट में लिखना है तो 2 की पावर 30 bytes के इक्वल होता है। इस तरह टेराबाइट जो होता है उसे 1 TB कहते हैं। नॉर्मली आपके घरों में आपके पास नॉर्मली जो हार्ड अवेलेबल है 1 टेराबाइट तक ही है, तो 1 टेराबाइट जो होता है 1024 GB, और अगर बाइट में देख रहे हैं तो 2 की पावर 40, इसे बड़े आपके पास पेप्टाबाइट आ जाता है, एक्साबाइट आ जाता है, जोटाबाइट आ जाता है, योटाबाइट आ जाता है। ठीक है, और इनको अपने पिछले यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे तो 1024 का पिछला यूनिट लिख दे,
ठीक है, एग्जाम का लिखना है तो एग्जाम में आपने क्या कर देना, आपने अपना पिछले वाला इवेंट अटैच कर देना है, ठीक है। जैसे पेटाबाइट है तो 1024 टेराबाइट के इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाबाइट जो है 1000 पेटाबाइट के इक्वल होगा। ज़ोटाबाइट जो है 1024 एग्जाबाइट के इक्वल होगा। और योटाबाइट जो आपके पास 1024 ज़ोटाबाइट के इक्वल होगा। और बाइट में लिखते हैं कि तो 40, 50, 60, 70, 80, 100, ठीक है। यहाँ तक ये स्केल खत्म नहीं होता, हालांकि इतनी बड़ी मेमोरी कि आप अपने लाइफ टाइम में सारा डाटा भी अपने कंप्यूटर में स्टोर भी करते रहो, तो मेरे हाथ से ये 1 योटाबाइट इतनी है कि आपसे फिर भी खत्म नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा ये आपके पास मेमोरी है, लेकिन इंटरनेट की सर्विस या कंपनीज के हाथ से देखें कुछ भी नहीं है। गूगल के बात कीजिए, उसके पता नहीं कितने करोड़ में आपके सर्वर डाल देते हैं और पता नहीं डेली का कितना डाटा ट्रांजेक्शन हो रहा था, और आपकी हर हर चीज वो नोट कर रहे हैं, आपके मोबाइल से आपकी पोजीशन उठा रहे होते हैं, मैसेज रिकॉर्ड आपके मैसेज के भी कॉन्टेक्ट भी देख रहे होते हैं, आपने जो सर्च कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करते हो वो आपके आईपी एड्रेस और आपके रीजन के साथ और टाइमिंग के साथ सारी इंफॉर्मेशन वो भी स्टोर हो रही है। इतना सारा डाटा गूगल लगातार आपका स्टोर कर रहा होता है, फिर आपकी जीमेल की एक्टिविटी भी स्टोर कर रहा होता है। गूगल के लिए या फेसबुक जैसी साइट जो है, ठीक है, उनके लिए इस तरह के यूनिट तो थोड़े से मिलकर उनका ये डेली बेस पे इतना डाटा आपके पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। बहरहाल इससे भी बड़ा स्केल है, इससे भी मजीद आगे बड़े बड़े यूनिट है, लेकिन हमारे लिए तो टेराबाइट ही बहुत आई ना, लेकिन हम मैक्सिमम फिर भी योटाबाइट तक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें तो बेसिक से रिलेटेड आपके ये आखिरी आपका टर्म है कौन नहीं उसे तो बहुत ज़रूर हो तूने याद रखे ना, डर लग गया तूने बाद में तो सीधी डीडी करनी है डीडी नहीं वैसे हुए था वो फिर उसको ऐसे सीधा करता हूँ। अब ये लास्ट दो टर्म है, यहाँ तक हमारे पास फिर सारा का सारा स्टोरेज मीडिया के स्टोरेज मेमोरी के लिहाज से बेसिक टर्म्स बेसिक नॉलेज जो हो जाएगा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग अपनी स्टोरेज मीडिया की कैटेगरी और उनके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आखिरी चीज जो है वो एक्सेस टाइम जो आपने पढ़ा था कि डाटा तक पहुंचने के लिए या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो एक आपके एक्सेस टाइम है। और एक्सेस करने के तरीके मेथड कितने हैं आपके पास, इंटर लेवल पे आपने 3 पढ़े, उनमें से 2 यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये 2 यूज होते हैं, ठीक है। इनमें से एक सिक्वेंशियल मेथड है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के नाम से, और एक रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस को हम लोग आपके पास डायरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास। सीक्वेंस में क्या होगा, आपके पास स्टोरेज मीडिया में जिस तरतीब से जो डाटा स्टोर करोगे जब आपने रीड करना है तो उसी तरतीब से रीड करना, लेकिन यही फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि मैं इस वक्त मुझे आपके पास 1513 रिकॉर्ड नंबर की जरूरत है, लेकिन सीक्वेंशियल में क्या होता है आपको हर बार स्टार्ट कहां से करना है, अपने बिगिनिंग से, अपने पहले रिकॉर्ड से स्टार्ट करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 1513 तक पहुंचना तक जो पिछले सारे रिकॉर्ड है 1512 वो फजूल में पढ़ने पड़े, उनको रीड करना पड़ेगा, उनसे होते हुए आपको क्या करना पड़ेगा आगे आना पड़ेगा। इस सीक्वेंशियल का नुकसान कि आप लोग पहले को भी एक्सेस करोगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा था आपको समझिए आपका सारा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए 1513 रिकॉर्ड चाहिए। तो ये इस लिहाज से सीक्वेंशियल मेथड आपके पास क्या है बहुत ज्यादा स्लो बन जाता है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये यूज होता है। कहां पे यूज होता है, अगर आप इसे किसी को ऑडियो कैसेट याद हो जो आपके माँ जी के आप लोगों के बचपन के दौर की बातें हैं, ठीक है, और बाजार से भी मिल जाती हैं, गाड़ी में ट्रकों में हर जगह लगती हैं, कैसेट डालते हो वो क्या करता है जहां से आपने उसे लास्ट टाइम प्ले किया होता है स्टॉप किया होता है वहीं से वो प्ले होती है, वो टेप फीता सा जिसे आप लोग उर्दू में पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, और जरा फीता जो होता है, ठीक है, उसके साथ हेड लगता है और वहां पे वो क्या करता है वो फीता एक साइड से घूमी जाता है, टेप उसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है, स्ट्रिप की तरह की वो होती है, टेप बोला जाता है, तो यहाँ से टेप रोल हो रही होती है, वो हेड साथ कनेक्ट होता है और गाना चलता जा रहा होता है। आगे कर रहे हैं तो एक बटन दबाने से फौरन गाना आगे नहीं जाता जैसे सीडी डीवीडीज में होता है, वो क्या होगा आपको फॉरवर्ड कर करके आगे मूव करा कर आगे स्पीड में चला चला के वहां तक पहुंचना पड़ता है गाने में, कभी कभी पता चलता है बहुत आगे आ गए फिर पीछे जाना पड़ता है। तो आपके पास जो ऑडियो वीडियो कैसेट है, वीडियो कैसेट भी हुआ करती थी पहले VCR जब दौर था आप लोगों के बिल्कुल बचपन की बात है आपके पैदाइश के दौर की बात है, अब तो खत्म हो गई इन चीजें ये, तो वीडियो कैसेट वगैरह भी होती थी, ठीक है। कंप्यूटर में भी बैकअप के लिए स्टोरेज मीडिया यूज किया जाता है, मैग्नेटिक टेप यूज होती है उसके अंदर भी टेप होती थी,
वो भी आपके पास सीक्वेंस में डाटा करके आ जाती है स्टोर। तो इस लिहाज से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। आगे आपके पास नीचे लास्ट में कहता है, तो आपके पास ये तो हो गया ना सीक्वेंशियल कि सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में आप लोग यहाँ पे डाटा लिखोगे उसी ऑर्डर में क्या करना है आपके एक्सेस करना है, इसीलिए स्लो भी है। और यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग इन दिस मेथड डाटा कैन बी रीड और राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द स्पेसिफिक लोकेशन। आपको अपनी स्पेसिफिक लोकेशन तक सारी चीजें रीड करनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी रीड करना है, ठीक है। पांचवी लोकेशन तक करना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, स्टार्ट से लेकर पर्टिकुलर लोकेशन तक तमाम कुछ रीड राइट करना पड़ता है। चलिए यहाँ तक तो आपके पास सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड हो गया था जिसमें आपने देखा था कि सेम ऑर्डर में आपके पास डाटा जो होता है, जिस ऑर्डर में डाटा लिखा होता है उसी डाटा उसी ऑर्डर में आप लोग उसे क्या करते हैं एक्सेस, उससे मुराद क्या पड़ी थी। इस मेथड में होता क्या, जो भी आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है तो आप लोग हमेशा स्टार्ट से शुरू हो जाओगे, स्टार्ट से आप लोग स्टार्ट हो जाओगे और उस लोकेशन तक जहाँ तक आपने पहुंचना है आपको सारे के साथ डाटा क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, रीड पहला वाला क्यों रीड करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और बेसिकली आपको पांचवा चीज और फिर बाद में जा चौथे के बाद कहां पे पहुंचता है, ये पांचवें तक पहुंचता है, ठीक है। ये तो सीक्वेंशियल हो गया जो कि एक स्लो मेथड है और टेप वगैरह में यूज होता है। आगे हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं जो आजकल आपके पास नॉर्मली सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, वो आपके पास है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस मेथड। इसमें कहता है इन दिस मेथड डाटा आपके पास कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी लोकेशन और इन एनी ऑर्डर। किसी भी लोकेशन पे आप लोग डायरेक्ट जाके डाटा उठा के लेके आ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर पे पढ़ सकते हो, किसी भी ऑर्डर से मुराद आप लोग छोटे से बड़ा पढ़ना शुरू कर दो, बड़े से छोटा पढ़ना शुरू कर दो, या डायरेक्टली डायरेक्ट आप जो नंबर आपको एक्सेस करना उस तक पहुंचो। आपको रिकॉर्ड नंबर 5 चाहिए, डायरेक्ट रिकॉर्ड नंबर 5 पे चले जाओ। आपको रिकॉर्ड नंबर 70 चाहिए, 70 पे चले जाओ। रिकॉर्ड नंबर 5 चाहिए, 3 चाहिए, 3 पे आ जाओ, ठीक है। 25 चाहिए, 25 पे चले जाओ डायरेक्ट। तो 3 से पढ़ना चाहते हो एक एक करके तो आप लोग इस मेथड में एक पढ़ लो, फिर 2, 3, 4, 5 पढ़ सकते हो, जिस तरह चाहो, जिस भी ऑर्डर में चाहो और जिस भी लोकेशन से चाहो डायरेक्टली चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट भी कह रहा था और ये रैंडमली, रैंडमली से मुराद क्या है कि आपके पास डाटा तरतीब से स्टोर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं तब तो पहले 8वां डाटा पढ़ू, फिर 5वां पढ़ू, फिर 4था पढ़ू आपके पास, ठीक है, चौथे के पास 7वां पढ़ लू, फिर 3रा पढ़ू, दूसरा पढ़ लू, रैंडम ऑर्डर में पढ़ू, तो मैं डायरेक्ट सीपी उठेगा आपके पास 8वां, 5वां, 4था, 7वां आपके पास 3रा, 6ठा, 2रा, 1 अप टू 7 इस तरह। तो क्या करेगा डायरेक्टली उन रिकॉर्ड तक एक्सेस कर ले, इसलिए हम लोग क्या इसे इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसे रैंडम एक्सेस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। कहता है इसी मनोवात्मक की वजह से कि ये डायरेक्टली चीजों को एक्सेस कर रहा है, इसे हम लोग आपके पास फास्टर मेथड भी कहते हैं देन द सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के मुकाबले में क्या होता है, तेज होता है और चीजों को जल्दी से क्या कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। तो बहरहाल ये छोटी छोटी टर्म थी, बेसिक रीजन आपने पढ़ी कि क्योंकि हम लोग मेन मेमोरी की बजाय सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं और हमने स्पीड वगैरह का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा, यूनिट को रिवाइज किया और एक्सेस मेथड देखी, ये बेसिक आपकी टर्म्स थी, ठीक है, स्टोरेज मीडिया के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसकी कैटेगरी और टाइप के बारे में पढ़ेंगे। मुझे इजाजत दें, ज्यादा से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें और अच्छे से कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।